गाइस आज के इस वीडियो में हम आ गए हैं माँ विंध्यवासिनी के जो चरणों में बसा हुआ एक ऐसा जिला मिर्जापुर जहाँ में स्थित है चुनार किला। उस किले को आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो यह जो गेट आप लोग देख पा रहे होंगे यह गेट पीछे वाला द्वार है, यानी यहाँ से कैदियों के लिए बना था, यानी कैदी इस गेट से लाए और ले जाए जाते थे। तो आप लोगों को एक एक करके हम बताएंगे, इस वीडियो में बने रहिएगा। तो हम चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखा देते हैं जो यहाँ गेट का पिलर है वो, इसमें गेट को स्थित किया गया था। और आपको समीप से थोड़ा दिखाएंगे, ये सैनिकों के सुरक्षा के लिए, मतलब यहाँ पर सैनिक को रहने के लिए बनाया गया था। और आप लोगों को हम धीरे से अंदर ले चलते हैं। यहाँ के सामने आपको देखने को कुछ इस प्रकार भी देखने को मिलता है। तो आप लोगों को दिखाएंगे, आप यहाँ से अगर आते हैं तो आप यहाँ जो कैद खाना है और रानी सोनवा का मंडप है ये सब देखने को मिलता है और बहुत ही अद्भुत है। तो हम उसको भी दिखाएंगे। और इधर चलेंगे अगर हम राइट साइड में तो यहाँ पर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है निरीक्षण भवन चुनार निर्माण खंड लोक लोक निर्माण विभाग मिर्जापुर। तो यहाँ पर आपको मिलेगा जो कुआं है बहुत ही खतरनाक, जो आप लोग सुना होगा, तो उस कुएं के बारे में विवरण करेंगे। और यहाँ पर राज दरबार वगैरह और हवा महल, ऐसे बहुत सारी आपको चीज़ें हम दिखाएंगे बहुत ही सरलता से और आराम से। तो चलिए अब हम यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखा देते हैं राजा भर्तृहरि जो कि थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनको द्वारा लिखा गया कि बुरे लोगों की संगति से बचे रहना ये शुभ गुण जिन लोगों में विद्यमान है उन महानुभाव के लिए हमारा नमस्कार है। तो ये राजा भर्तृहरि जो थे वो अपना उपदेश दिए थे, उसे काफ़ी नक्काशी के साथ यहाँ पर स्थित किया गया। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर कुएँ की तरफ और कुएँ को देखेंगे। आप लोग बने रहिए। गेट से एंट्री के बाद हमें यहाँ पर एक पीपल का जो पेड़ है बहुत ही पुराना हमको आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें दो रास्ते मिल जाते हैं। एक रास्ता जो कि निरीक्षण भवन या इधर आपको बता दे हवा महल या सभागार भवन की तरफ जाता है, और ये दूसरा रास्ता जो सीधा गया इधर ये जाता है रानी के कुएं की तरफ, यानी रानी जहाँ नहाती थी। तो चलिए हम सबसे पहले रानी के कुएं को देखते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। तो गाइस हम आ गए हैं अब कुएं के पास। तो यहाँ पर कुआं है, कुएं का यहाँ जो आपको दिख रहा होगा ये ऊपर से लोहे का एंगल लगाया गया है, ये सुरक्षा के लिए लगाया गया है कि पर्यटक किसी प्रकार से यहाँ पर दुर्घटना ना हो और इसमें जो अनावश्यक वस्तुएं हैं वो ना फेंका जाए। और हम कुएं के बारे में जानकारी लेते हैं तो कुएं का हमको लगता है डायमीटर लगभग 30 फुट के बराबर होगा कुएं का डायमीटर। और यहाँ पर अंदर आपको दिख रहा होगा छोटा सा नक्काशी है, उसमें जो औरत उस समय की सेना थी औरत वो यहाँ पर पहरा देती थी, जब रानी नहाने आती थी तो वो ये सब पहरा देती थी, उसके रहने के लिए यहाँ पर कुछ स्थान बनाए गए हैं। और आगे हम बढ़ते हैं इसके जो चारों तरफ में यहाँ पर आपको एक दीवार दिख रहा होगा, उस दीवार में छोटे छोटे जो छिद्र बनाए गए हैं वो छिद्र आपको दिखा दे तो कुछ इस प्रकार होगा यहाँ पर, और जो वेंटिलेटर के लिए या यहाँ से देख रेख के लिए किया गया है। और आगे देखेंगे तो कुछ ऐसे ऐसे आकार के जो हमें छिद्र दिखाई दे रहे हैं कि पहले आज के ज़माने में लोग देखने के लिए CCTV कैमरा लगा दे रहे हैं, लेकिन उस समय के ज़माने में कुछ नहीं था, तो उसके लिए यहाँ पर ये सब छिद्र बनाए गए हैं। जो कि अगर आप छिद्र से देखते हैं तो अगर छिद्र से देखेंगे तो आपको सीधा रास्ता आगे रास्ता दिखाई देगा। और आगे बढ़ेंगे तो हर छिद्र का जो डायमेंशन है यानी उसका आकार है साइज है वो अलग अलग है, और अलग अलग एंगल पे अलग अलग स्थान पे जो ये छिद्र बनाया गया है। तो अगर आपको कुछ और छिद्र दिखाएं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीधा रोड तक गया है और आगे भी यहाँ पर है बहुत सारे छिद्र हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखाएं तो ये टेक्नोलॉजी आप देख कर दंग रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको तीन दिशा में जो छिद्र है वो तीन दिशा में दिखाई देता है। सामने वाला अगर इधर देखें तो कुछ अलग दिखेगा, और इधर अलग दिखेगा, और इधर देखेंगे तो कुछ अलग दिखेगा, जो कि बिल्कुल रोड के सामने निकलता है, यानी यहाँ से रोड पर से आने जाने वाले व्यक्तियों को जो निगरानी है बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है। तो अब इन्हीं सब के साथ हम चलते हैं अब रानी का जो कुआं है उसके अंदर। तो रानी के कुआं के अंदर जाने के लिए
वहाँ पर रास्ता बनाया गया है, तो उस रास्ते में हम चलेंगे और देखेंगे कुएं को बहुत ही गहराई से अंदर की तरफ से। तो कुएं के जस्ट बगल में जाने के लिए रास्ता बनाया गया है, वो आपको दिखाते हैं। यहाँ से रास्ता लगभग इतना पुराना हो गया है कि जर्जर हो चुका है, तो यहाँ पर जाने के लिए बहुत ही कठिनाई होती है, तो यहाँ पर बहुत ही सावधानी के साथ जाना पड़ता है। लेकिन आप लोगों को जाकर हम दिखाते हैं यहाँ पर। तो इस कुएं में जाने के लिए पूरे 5 मोड़ बनाए गए हैं। मोड़ का मतलब जब हम यहाँ से जाते हैं, जब घूमते हैं तो उसे मोड़ क्या कहा जाता है, वो मतलब इसमें 5 मोड़ बनाए गए हैं। और तो अब हम पहले स्टेप में लगभग नीचे आ चुके हैं और हमें यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत चीज़ें दिखाई दी हैं। आपको दिखा देते हैं, जो ये दीवार है कुएं का, इस पर नक्काशी बनाया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ चिड़ियाँ हैं, मछली है, और इधर देखने को मिलता है यहाँ पर है कुछ, और यहाँ है। तो ये सब बनाया गया, तो ये इसलिए बनाया गया है, आपको बता देते हैं कि उस समय में बैंक वगैरह नहीं था, तो जो राजा थे वो अपने खजाने को रखने के लिए इसका यूज किया करते थे। तो वो इसलिए इसका यूज इस प्रकार करते थे कि उनको मतलब ये पता लगाना पड़ता था कि खजाना कहाँ है, तो वो कोड भाषा में करते थे कि मछली के नीचे ही खजाना है और इस चिड़िया के बगल में है। तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं और अंदर चलकर देखते हैं। यहाँ पर हम पहला स्टेप जो है कुएं में आ चुके हैं। इसका गहराई जो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं 25 फीट के लगभग हो गया है पहले स्टेप में। और यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि कुछ नक्काशी है जिस पर मसाल वगैरह रखने के लिए बनाया गया है, ताकि इसमें अंधेरा से बचा जा सके, अंधेरे के लिए। खूबसूरत इस समय दिख रहा है, तो उस समय सोचिए कि कैसी कठिनाई रही होगी। यहाँ पर जो मेहराब बना हुआ है 3 स्टेप में है, उसको देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है इस समय, तो जब बनाया जा रहा होगा तो उस समय कितनी कठिनाई के साथ सामना करना पड़ता था और किस प्रकार बनाया जाता था, ये सब हम बस कल्पना ही कर सकते हैं। Thank you.